उनके जरूर भेजना चाहिए, लेकिन ये टूटी हुई सलवार किसी को नहीं चाहिए। अगर अच्छी सलवार पढ़ सकते हैं तो बाबाज अपना सलवार ऐसा देखा नहीं। आज रोज जुम्मा है और रोज जुम्मा अल्लाह ताला उसे ऐसा नूर अता करता है जो कियामत वाले दिन इतना मुनव्वर होगा कि अगर वो सारी कायनात को अल्लाह की तमाम मखलूक को उस नूर में से बांटना शुरू कर देगा तब भी वो खत्म नहीं होगा। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो कसरत से मुझ पर दुरूद भेजता है वो सुन ले तुम्हारे दुरूद रोज जुमा मुझ तक पहुंचाए जाते हैं। और जो जितना ज्यादा मुझ पर दुरूद भेजेगा वो अजमत के लिहाज से ज्यादा मेरे करीब होगा। तो यकीनन आज के दिन हम चलते फिरते उठते बैठते लेटते जिस हालत में हों तो हमारी जबान के ऊपर मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर ये जरूर जरूर होना चाहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर जब आप जरूर पढ़ते हैं तो ये अल्लाह ताला का वो अमल है जिस पर अल्लाह हर वक्त बजा रहा है और अल्लाह का फरिश्ते हर वक्त इस अमल को बजा रहा है और मोमिनों को अल्लाह ने हुक्म किया कि ऐ ईमान वालों तुम भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद भेजा कर मोहम्मद वाले जो अमल है जो अल्लाह भी कर रहा है उसके फरिश्ते भी कर रहे हैं और मोमिनों को भी अल्लाह हुक्म कर रहा है तुम भी ये अमल करो। और फिर रसूल अल्लाह का फरमान है कि देखो अफ़ज़ल आमाल उम्मती इंतज़ार फ़र्ज कि मेरी उम्मत का बेहतरीन अमल मेरी आखिरी हुज्जत का इंतज़ार है। और फिर आगे चल के देखा कि हमने तो इबादत करनी है तो बेहतरीन इबादत क्या है तो हमने देखा कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के नज़दीक बेहतरीन अमल उनके दुश्मनों से बेहतर है। वो कहा से कहा हम दुरूद पढ़े हम इंतजार करें हम अहले बैत के दुश्मनों से बेजारी करें उनके लानत भेजें तो उन्होंने बड़ा अच्छा रास्ता बताया। उन्होंने कहा जब भी दुरूद पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम और यकीनन हम गुनाहगार बनते हैं दूसरा बनते हैं खताकार बनते हैं हमारे नामा अमाल में कुछ भी नहीं है सवाए गुनाहों के। हम सुबह उठते हैं तो मासियत पे मासियत करते हैं अल्लाह ताला के अहकाम की नाफरमानी करते हैं। हमारी रात होती है
आप तो और सिलसिले चल पड़े। अब सिलसिले ऐसे कि आप जो अपनी तरफ तवज्जो करो ना करो, हमारा दुश्मन जो जाग रहा है उसने हमारे चमकाने के ऐसे ऐसे तरीके निकाली है, ऐसे ऐसे बहाने निकालिए हैं कि आपकी तवज्जो उस तरफ से हो ना हो। पहले तो आपको वीडियो दिखाई जाती थी, पहले तो मोबाइल फोन आया गया, फिर वीडियो आई गई, फिर कैमरे आ गए, फिर सेल्फी शुरू हो गई, फिर बड़ी बड़ी वीडियो चलने लगे। उन्होंने देखा बड़ी वीडियो तो कोई भी नहीं देख रहा है, फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई दो दो तीन दिन चार चार मिनट के क्लिप बनाओ, चार चार मिनट के क्लिप बनने लग गए। अब उन्होंने कहा जब अब वो भी कोई नहीं देख रहा, तो आज सोशल मीडिया का कोई नेटवर्क ऐसा नहीं है जिसने रील सिस्टम शुरू कर दिया हो जी। रील सिस्टम क्या है कि चंद सेकंड की यानी 10 से 12 सेकंड की एक क्लिप आपको दिखा दिया जाता है कि जैसा आपका इंटरेस्ट है, जो एक वीडियो आपने देख ली है उसके रिलेटेड टोटल आती चली जाती है। और आपने आजमा के देख लिया होगा कि जैसे सोशल नेटवर्क पे जाते हैं, एक मिनट देखते हैं, तो उसके कम अज कम दो घंटे के बाद, तीन घंटों के बाद आप मोबाइल छोड़ के साइड में रखते हैं और वो चीजें देखते हैं जो आप सोची नहीं होती थी कि मैं ये देखने है। तो आपको तो आप खुद नहीं देख रहे, आपको दिखाई जा रही है। और यही तो जाल है, यही तो फितना है। यही सारी सारी रात पूछा जाता है कि भाई रात को क्या करते हो, सारी सारी रात जाता रहता हूँ भाई क्या करते हो। बस ये तो मसरूफियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो भाई नमाज तो बस वो जब लेट सोता हूँ तो नमाज का बड़ा हो जाता, वो तो मकसद में कामयाब हो गया। हम में से पता नहीं कितनों की नमाज सुबह फजर की अदा, हाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सलाम ने वक्त रुखसत अपनी शरीकत हुसैन है को सुनके ही खातम है, मुझे नमाज में शब्द में जमाज तहज्जुद में अपनी दुआओं में से फरामोश न कर। जैसे जैसे हालात आए तो मुझे तो घराना है या उस घराने से हम मोहब्बत का दावा करते हैं कि जिन पे इतने जुल्म के पहाड़ आए, कि जिन्होंने एक दिन के अंदर कितने अपने चाहने वालों पे, कि दुनिया में उनसे बेहतर कोई भी न था, उनके लाशों को खून में लथपथ देखा, खुले आसमानों के नीचे देखा, उन मस्तूरात ने अपनी चादरें कुर्बान की, उसके बावजूद भी कोई तारीख या कोई मुहद्दिस कोई कालम निगार ये साबित नहीं कर सकता कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने या उनके साथ जितनी मस्तूरात ने कोई भी नमाज जमा की हो। अजीजा ने करा दी दूसरे आदत सलाहकार बन गए, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे पास सहारा मौजूद है तो वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का सहारा। कभी ना उम्मीद मत करिएगा, क्यों जितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो अपना सर इन हस्तियों के दर पे झुका लेता है तो अल्लाह ताला तेरे इनके सच्चे में उसको माफ कर देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह करके दिखाया कि जब तीन शाबान इस दुनिया में आए तब भी उन्होंने एक गुनाहगार को जिसको आसमानों पे सजा सुनाई गई थी अदा किया था और उसको माफी दिलवाई थी, और जब इस दुनिया से गए हैं तो फिर भी इमाम हुसैन ने वाजिब जहन्नम लाअल्लाह जिस पे लिखा जाना था उस भक्त अलैहिस्सलाम बना दिया। इमाम हुसैन ने अपने इस अमल से बताया चाहे जितने गुनाहगार हो मेरे दर पे आ जाओ, मेरी हुकूमत दुनिया में भी है, आसमानों पे भी है, जमीनों पे भी है। आज तक की वहदत लामा एक बहुत बड़े फलसफी आप सब आशिया है, वो फरमाते हैं जब भी तुम्हारे गुनाह तुम्हें मायूस कर देते और तुम्हारी जबान तलबे इस्तग़फ़ार न कर सके और तुम
ना उम्मीद ना होना। क्यों? तुम्हें एक काम करूंगा, तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गिरजा करना, इमाम हुसैन को याद करना, उनके मसाइल पढ़ना, ज़ियारे आशूरा की तिलावत करना, तुम्हें मुसीबत को याद करना, कहीं से कुछ पढ़ लेना, लेकिन ना उम्मीद ना होना। क्यों? अगर तुम्हारा इमाम हुसैन के गम में एक कतरा आंसू का निकल आया, अगर पहाड़ के जर्रों जितना भी तुम्हारा गुनाह है तो वो बह जाएगा। इतनी अजमत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यकीनन आज तमाम जायरीन तैयार है कि वो करबला की तरफ रुख करें, और मोमिन की अलामत में से एक अलामत ये है कि वो अरबईन की ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की पे जाके करते हैं। ये जितने वाकियात के तारीख के अंदर आप सुनते हैं पढ़ते हैं कि जायरीन पर पाबंदी लगाई गई, जायरीन को टैक्स लगाए गए, जायरीन को ये उनको कहा गया कि एक दो जा रहे हो, एक अपनी जान दे तो एक जाके ज़ियारत करे, ये आप सुनते हैं कि हाँ हाथ जताओ तो फिर जाके अपने आप को तुम इस जाते बनाओगे कि ज़ियारत इमाम हुसैन कर सकोगे, अपने आदाय बदन कुर्बान करो फिर जाके ज़ियारत इमाम हुसैन कर सको। इससे पढ़ के यहां तक पाबंदियां लगाई गई कि देखो औलाद लेके आओ, अपने बच्चे कुर्बान करते चले जाओ, जहां तुम्हारे बच्चे का सर कटा होगा वहां जाके अपने मां की जाके ज़ियारत कर लेना। ये सारी की सारी जितनी पाबंदियां हैं, ये सारी की सारी ज़ियारत इमाम हुसैन रोज़े अरबईन की अज़मत को सामने रख के लगाएंगे। कभी तो दुश्मन में कहता है जागता है और हम सोचते, वो तो अज़मत है ज़ियारत अरबईन इमाम हुसैन को समझता है कि नमक के साथ रोटी खा लो, ज़ियारत इमाम हुसैन को फरमोश ना करो, अरबईन की ज़ियारत के लिए कहा गया। लेकिन हम लोग मुतवज्जो नहीं, लोगों ने अपनी जाने दी, एक कुर्बान होता था, लाशा गिरता था, कब्र इमाम हुसैन पे अपने आप को गिरा लेते। आज की उंगलियां कटवाई, उंगलियां आगे तड़प रही थी तो ये कब्र इमाम हुसैन से निकटा हुआ, ये हाथ कटा, ये पांव टांगे काटी गई, कब्र इमाम हुसैन पे था और आधा एक बदन तड़प रहा है। ये हकीकत की मोहब्बत, ये है मोमिन की तरफ। आज यकीन मुश्किल है पाकिस्तान के ऊपर, बहुत ज्यादा सैलाब ने तबाह गाड़ियां की है, बहुत से मोमिनीन परेशान हाल है। आज ये सवाल किया जाता है, इमाम साहब बताइए जो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए मैंने पैसे देने हैं उनको यहाँ दे दूँ, अब बल्कि चरमाइन ऐसे चाहिए। आज फतवे जारी किए जा रहे हैं। आज सबसे पहले तो बात यह है कि जो ज़ियारत इमाम हुसैन करने का ज़हन बनाता है या उसके पास इमाम फतेह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी चाहिए और वो इतना माल इस रस्ते में खर्च करता है, उसके अंदर अल्लाह ने इतनी अकल फहम दी है, इतना शऊर तमज्जुम दिया है कि वो तारे गैर भी अंजाम दे। यकीनन वो लोग जो ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाते हैं वो काले पैर करते रहते हैं, वो मोमिनीन की मदद करते रहते हैं, और जो ये फतवे जारी करते हैं और इस तरह की बातें करके लोगों के अंदर ये फिक्र डालते हैं कि भाई ज़ियारत छोड़ो और यहाँ पे ज़ियारत करो, यहाँ पे भी ज़ियारत किया जाए और ज़ियारत इमाम हुसैन को भी तर्क ना किया जाए, और जो मना कर रहे हैं यहाँ पे उनके हालात भी देख लो कि उन्होंने कितनी इबादत की है, कितनी दफा ज़ियारत में गए हैं, कितनी दफा उन्होंने मोमिनीन के साथ तआमुल किया है। यकीनन ये मामला आज नहीं, जब आयमा का दौर तब तक उठाया गया था कि हर साल हज पे जाने से बेहतर अल्लाह की राह में रुमाल दे दिया जाए, लेकिन ओला से चार के 40 हज, इमाम हुसैन के 25 प्यादा हज, इमाम ने असद मुजतबा के 30 प्यादा हज, हमें अजमत
हज बताते हैं कि हज नमाज के बाद सबसे अधिक होता है। और आपसे मैं दरखास्त करूंगा जो हजरात हिम्मत कर सकते हैं वसाइल रखते हैं वो जियारत अरबिया को पक्का करें, क्यों आज वहां पे भी जरूरत है। ये वो आयतुल्लाह रहबर अली खानदानी फरमाते हैं ये वो खामोश तलवार है दुश्मन को अंदर से मारे जा रहे हैं। दुश्मन बहुत लगा ये चंद रोज पहले इराक के अंदर जो फितने फसादात बर्पा हुए और हर तरफ ये आवाजें आने लग गई कि ये उलमा शिया आपस में लड़ पड़े हैं, इराक ने अपने रस्ते बंद कर दिए, फ्लाइट तमाम ममालिक ने इराक की बंद कर दी, एक फितना बर्पा हुआ, हर तरफ ऐलान हो गया शायद इस दफा हम नहीं में कोई नहीं जा सके। जो पहली दफा जो वो हर साल हुआ और आज भी जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है इतने चीजों के लिए आगे अपने कागज जमा करवा दिए उनसे कहूंगा जरा इतने ना रखिएगा, सबर से काम लीजिएगा। हालात वहां पे थोड़े से खराब हुए थे लेकिन वही जो अल्लाह ने हमें मराजुल काम की शक्ल में नेमतें अता की है उनका एक पकवा था कि एक रात में चंद घंटों के अंदर तमाम हालात ठीक हो गए थे। जितने मुतमन्नी हैं जो जो दायरे इमाम हुसैन हैं परवरदिगार उनके लिए ज़ियारत को आसान फरमाए, जितनी आगे हालात मुश्किल है परवरदिगार उनको आसान फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ाने ग्रामी पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त सैलाब से मुतासिर हुआ है। आप तमाम हजरात मुझसे बेहतर आगाह होंगे कि कैसे हालात हैं इस वक्त। हमें दिन जब एक कौम होना है और हमने तमाम तमाम पाकिस्तानियों की इस मुश्किल वक्त में मदद करनी है। अगर से बहुत से शुभ पैदा किए जा रहे हैं कि हाँ ये सलाब आया नहीं लाया गया है, ये बारिश कितनी करवाई गई है, ये सारे के कितने मसाला जो भी हुआ है उससे कतई नजर इस वक्त हालत उससे जाके पूछो जिसका आधा कुआ मिट्टी के अंदर दब गया है, जिसका घर टूट चुका है, जिसके मवेशी बह गए हैं, जिसके जिंदा बच्चे बहरों की नजर हो गए हैं, उनकी फिक्र कीजिए। जो हजरात उनकी मुतासरीन की इमदाद की खातिर आगे बढ़ रहे हैं उनसे भी ये कहूंगा कि उनको भी जरा हिम्मत से काम लेना है कि वहां पे हालात बहुत ज्यादा संगीन हो चुके हैं। आप एक तहकीक के मुताबिक कि सड़कों पे आप तो अभी फकीर नहीं दिख रहे, जितना रश यहाँ पे या मांगने वालों का था वो सारा का सारा वहां चला गया, अभी अंदाज वहां तक पहुंचती नहीं है, जो रस्ते में लूट रहे हैं मुश्किल लिए जो दाद है जो वहां पहुंच रहे हैं उनकी सिक्योरिटी की जा रही है कि वहां पे फौज है वहां पे पुलिस है और पुलिस भी मदद नहीं कर रही, क्या करें। उनकी मिसाल दोगुनी उनकी तरफ नहीं जा रही है कि ये आदमी ट्रैक्टर है जो इंसानों को खाता है, कहते हमें मार रहे हैं, हमारा हमसे सब कुछ छीन रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। और याद रखिएगा कि वो मुतासरी जब सैलाब आया था तो इलाकों से निकले थे, अब वापस पलट चुके हैं। उसका आसान तरीका ये है कि उन उलमाई कराम से जो अहले इलाका हैं जो पेश नमाज हैं उनसे रब्ता किया जाए, तो वो जानते हैं कौन सा यहाँ का रहने वाला है, कौन किस मुस्तहिक है, और कोशिश कीजिए कि उनको बहुत सी चीजें राशन बहुत मिल गया, पानी वगैरह बहुत मिल गया, मजीद उनको चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा अगर उनको जरूरत है तो इसलिए उनको पैसों की जरूरत है ताकि जो उनका माश तबाह हो गया, जो फसलें तबाह हो गई, जिन मवेशियों के ऊपर उनका रोज जिंदा हो रहे थे वो कह गए हैं, उनको दोबारा से जिंदा रहने के लिए आपकी ये उतरे कपड़े नहीं चाहिए, उनको आपके रहते जूते नहीं
चाहिए, उनको अब फसाए चाहिए, उनको पैसे आप भेजिए ताकि दोबारा से अपना वो रोजगार और मनुष्य को बेहतर बना सके। ठीक प्रबंध जी जी, यकीनन क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है और मैंने वाइंड अप करना है। ये जनाब ज़ैद और ज़ुमाना शहादत थे, इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक में आवाज उठाई थी और उनका बदला लेने के लिए इन्होंने बुरूज किया था और दुश्मनों ने इनको बड़े जुल्म से इनको शहीद किया। मोमिनीन ने चाहा कि इनको दरिया के अंदर कब्र बना के दफना दिया जाए, लेकिन वो पूरी हो गई, उनकी कब्र को दरिया के अंदर नहर के अंदर से निकाला गया और उनको फिर सूली के ऊपर लटकाया गया था। और काफी अरसे तक ये वो सूली के ऊपर लटके रहे थे। आज भी उनका मजार जब आप नजफ को करबला के दरमियान से गुजरते हैं तो उस तरफ है, जब हम दाएं जाते हैं खुदा हम सब को वहां पे लेके जाए, तो खुदा आपको सलामत रखे। अलीजान जनाब, इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो जो इस वक्त जिन्होंने बेड़ा उठाया है सलात अज़कार का, उसने माहिर जंग भी किया है, हमारे शाह साहब भी फंडिंग आ रहे दे रहे हैं, यहाँ पे इदारे ने भी इंतजाम किया है, अब दिन भर खोल के उनके साथ तआवुन करें ताकि मोमिनीन जो हमारी तरफ देख रहे हैं उन तक ये आपकी अमानत पहुँचाई जाए, ताकि वो हमारे लिए हाथ उठा के अल्लाह से पतवा ना करें कि अल्लाह तुमने मुसीबत तो हम पे डाली, लेकिन हमारे वो मोमिन भाई जो हमारा साथ दे सकते थे। इमाम का फरमान है कुछ थोड़ा देना ना देने से बेहतर है, क्योंकि थोड़ा जो दिया जाता ना तो कम से कम कुछ तो होता है, जो नहीं दिया जाता वो कुछ नहीं होता। तो दिल खोल के आप याद कीजिए, आज का दिन 5 सफर मुजफ्फर, ये तारीख का एक पोसिया बात है कि पाकिस्तान के अंदर 13 सफर को जनाब सैयद सलामुल्लाह की शहादत का दिन मनाया जाता है, लेकिन विजयों और ईरान के अंदर हर तरफ आज का दिन उस मजलूमा शहीदा का दिन है कि अगर करबला के अंदर ये सकीना ना होती और शिशमाया अली असगर ना होता तो आज करबला सियासी मसलहत का शिकार हो जाता। अगर करबला को कोई सियासी नहीं बनने देता है तो वो शिशमाया अली असगर का नौ के सिना पे बुलंद होना और जनाब सकीना के 4 साल सकीना के फंसे गर्दन रस्सियां थी ऐसी मोहब्बत करे, ऐसी मोहब्बत मेरी माँ मेरे नाना मोहम्मद से किया करती थी, वो मुझे इतना प्यार करे जितनी मेरी माँ मेरे नाना मोहम्मद से प्यार किया करती थी, इतनी मोहब्बत हो कि ना मैं उसके बगैर रह सकूं ना वो मेरे बगैर रह सके। फिर अल्लाह ने कहा कि हुसैन देने को तो मैं दे दूं, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ा इम्तिहान देना है, करबला में तेरा कोई नहीं रहेगा, उस इम्तिहान में तू क्या करेगा जब उसके बगैर नहीं रहेगा। कहा अल्लाह जब इम्तिहान का वक्त आएगा तो तू देख लेना मैं सकीना को भी अपने से जुदा कर लूंगा। ये वो 4 साल सकीना थी जिसको जिंदान के अंदर सज्जाद ने बड़ी गुरबत के साथ दफनाया। एक रात बहुत क्रिया किया, जनाब ज़ैद ने बहुत तसल्लियां दी, कहा क्यों रोती हो, कहा अभी बाबा तो यहां थे, अभी मैंने अपने बाबा को देखा था, अभी वो यहाँ मेरे पास थे। जैसी क्रिया करती है ना तो जनाब सकीना की जनाब ज़हरा से बहुत नमाज करते, जनाब ज़हरा ने भी तमाचे खाए थे, सकीना ने भी तमाचे खाए थे, जनाब ज़हरा के भी नुकसान जख्मी थे, जनाब सकीना के भी नुकसान, जनाब ज़हरा भी दरबार गई थी, जनाब सकीना भी दरबार गई थी, जनाब ज़हरा भी अपने बाप से मोहब्बत करती थी, जनाब सकीना भी करती, उनकी मोहब्बत मिसाली इनकी भी मिसाली थी,
सारी जिंदगी बाप के सीने पे सोती थी, नाम फातिमा था, लेकिन हुसैन जब भी सीने पे बुलाते थे सुकून मिलता था। तो कहते थे तुम समीना हो कि मेरे दिल को तेरे सिंह सोने से चैन मिलता हो। जिंदाद के अंदर जब रोती थी तो शाम के लोग दीवार हिलते थे, जब उस रात रोई तो यजीद बेआराम हुआ, कहा कौन मेरे आराम में कदम डाल रहा। दरोगा जिंदाद आता है, कहता है यजीद कौन रो रहा है, हमारे अमीर के आराम में कदम हुआ क्या। कहा एक छोटी भेड़ में आए तो चुप करो आओ। कहा रोती थी अपने बाप के गम में, बाप भी उसी का कत्ल हुआ, रोती थी अपने बाबा को है कैसे मैं उसको चुप करवा लू। कहा कोई सबीर करो। कहा एक रास्ता है। कहा क्या। कहा इसके बाबा को सर ला दो। कहता अगर सर ला के तो ये चुप कर जाएगी। कहा हाँ कर जाएगी। कहा वो जैसे कहा ना होगी ना होगी। सकीना ने बाबा का सर लिया और रवायात बताती है सकीना की हड्डियां पानी हो गई। सकीना उठ के सरदार को ना कर सकी, लेकिन भैया से कहा भैया मेरे बाबा का अगर सर आगे आएगा तो मुझे दे दो। पहले मैं अपने बाबा के सीने पे सोती थी, आज मैं अपने बाबा को अपने सर पे मिलाती हूँ। जैसे ही बाबा का सर मिलाना पता नहीं क्या बातें हुई। मैं कहूँगा शेर चार बाबा तेरे पास मुझे तमाचे लाए लगाए गए, बाबा तेरे पास कोई मुझे सकीना नहीं देगा, सब मुझे कैदी कहते हैं, बाबा तेरे पास मेरे गोशवारे लूटे गए। लेकिन बातें थी कि सकीना पावे सैन्य पढ़ी तो कहा सज्जाद सकीना की कैदे खत्म हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल मकबूल फरमा। या परवरदिगार इसके बदले में हजरत वसी अता फरमा। जितने मोमिनीन बीमार हैं शिफाए कुलिया अता फरमा। जितने कंकर से कंकर से निजात अता फरमा।